बैटरी का स्टेटस पता करना है, अगर अपने सिस्टम का मतलब अपने कंप्यूटर का बैटरी का स्टेटस चेक करना है कि इसकी कितनी कैपेसिटी बची है, कि ये सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो बैटरी कैपेसिटी के लिए सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। इसके बाद ये लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक को कॉपी करना है और इसको फाइल एक्सप्लोरर में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस लिंक को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद जहाँ ऊपर टैब आती है वहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और ये इस फाइल को जो HTML फाइल है इसको ओपन कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो इस पाथ से फाइल को गेट करेगा और हमारे ब्राउज़र में इसको ओपन कर देगा। तो यहाँ पर देखोगे आपकी यहाँ पर पूरी डिटेल जो भी इस बैटरी की रिपोर्ट है यहाँ पर हमें मिल जाएगी, टाइम कब कैसे यूज किया। तो यहाँ पर कंप्यूटर की इन्फो है, जो भी बेसिक इन्फो वो सारी यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो हमें मेन चीज़ें देखनी है वो देखनी है डिज़ाइन कैपेसिटी एंड फुल चार्ज कैपेसिटी। तो जब भी कंप्यूटर बना था उस टाइम जो बैटरी की कैपेसिटी थी वो 41 ठीक है 41006 मेगावाट थी। अब ये डिग्रेड हो चुकी है, अब ये 37733 दिखा रहा है। तो अब जो मेरी कैपेसिटी है बैटरी की वो कम हो रही है। जैसे जैसे इसका यूजेज बढ़ता रहेगा टाइम के साथ ये कम होती रहेगी। जब स्टार्टिंग में मैंने इसको देखा था तो ये अराउंड 40,000 थी, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड के अनुसार कम होती रहेगी। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी आपकी बैटरी कैपेसिटी जितनी कम होगी, जैसे मान लो 10,000 हो जाती है, तो वो एक तरह से काम करना उसका बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि बैटरी की क्या स्टेट है अभी। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।